वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हम लोग इनका रिवीजन करेंगे, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स आस्क क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट, अर्जिंग और रिक्वेस्टिंग समवन सोलेमली और अर्नेस्टली टू डू समथिंग, उसको हम लोग कहते हैं वन वर्ड में एडज्योर, यानी कि विनती करना, अनुरोध करना। और नेक्स्ट, टू गिव अ स्केची आउटलाइन ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं एडम्बरेट, यानी कि रूपरेखा बनाना, संक्षेप में बताना किसी को। नेक्स्ट है इन्वॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट और ऑपोजिशन, एडवर्सेरियल, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ है विरोधी या शत्रुतापूर्ण। नेक्स्ट है द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग और फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ये है एरोनॉटिक्स, इसका अर्थ है इंग्लिश में नाउन, इसको कह ये नाउन है हवाई यान विज्ञान या विमानन, इसको कहते हैं, ठीक है। हवाई यान का विज्ञान, उसको हम लोग एरोनॉटिक्स कहते हैं। पर्सन हु लव्स एंड इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, इसको हम लोग कहते हैं एस्थीट, यानी कि प्रकृतिवादी, प्रकृति प्रेमी। रिटेन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओवाथ और एफर्मेशन फॉर यूज एज एविडेंस इन कोर्ट, इसको एफिडेविट कहते हैं, एक नाउन वर्ड है, इसका हिंदी अर्थ है शपथ पत्र। कलेक्टिंग और फॉर्मिंग इन टू अ मास और ग्रुप, इसको कहते हैं एग्लोमेरेट, एक वर्ब वर्ड है, ठीक है। संचयन या समूह बनाना, इसका हिंदी अर्थ है। एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ ओपन और पब्लिक प्लेसेस, इसको हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में एगोरोफोबिया, यानी खुले स्थानों का भय, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एगोराफोबिया। और नेक्स्ट, ए रेसेस इन द वॉल ऑफ अ रूम और गार्डन, एल्कोव, एक नाउन वर्ड है, इसका हिंदी अर्थ है अंतग्रह। ए फॉल्स और एज्यूम्ड आइडेंटिटी, इसका हिंदी अर्थ, सॉरी इंग्लिश वर्ड है एलियास, यानी नाउन है ये, उपनाम। द एक्सप्रेशन ऑफ स्पोकन साउंड्स बाय एन अल्फाबेट, अल्फाबेटिज्म, यानी कि ध्वनियात्मक वर्णमाला। एन एबनॉर्मल फियर ऑफ हाइट्स, एल्टोफोबिया, यानी कि ऊंचाई का भय, इसको ऊंचाई का भय होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं एल्टोफोबिया। एन इंटेंस फॉन्डनेस फॉर फ्लावर्स, एंथोमेनिया, पुष्प प्रेमी। रिलिक्स और मॉन्यूमेंट्स सच एज क्वाइंस स्टैचू और बिल्डिंग्स ऑफ एंशियंट टाइम्स, इसको एंटिका, एंटी काइट्स बोलते हैं, ठीक है, प्राचीन वस्तुएं। प्रोफेसाइंग डिसेस्टर और टोटल डिस्ट्रक्शन, एपोकैलिप्टिक, प्रलयकारी। हाईएस्ट पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग क्लाइमेक्स और कल्मिनेशन, इसको बोलेंगे एपोजी, सॉरी नाउन वर्ड है, सर्वोत्तम स्थिति या उत्कर्ष। लिविंग एंड ऑफन फाउंड इन ट्रीज, एर्बोरियल, वृक्षों में रहने वाला। फ्लीट ऑफ वारशिप्स, इसको कहते हैं इंग्लिश में आर्माडा, एक नाउन वर्ड है, युद्ध पोतों का बेड़ा। नेक्स्ट, अ वर्कर स्किल्ड इन मेकिंग थिंग्स बाय हैंड, आर्टिसन, एक नाउन वर्ड है, कारीगर। एन एब्सेंस ऑफ बिलीफ, यानी कि इन द एक्सिस्टेंस ऑफ डाइटीज, एथिज्म, एक नाउन वर्ड है, इसका हिंदी अर्थ है नास्तिकता, ठीक है। एथिस्ट यानी नास्तिक, एथिज्म एक नाउन वर्ड है, तो नास्तिकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल रंका इंग्लिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद।